वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अ वेरी कोल्ड हैप्पी गुड मॉर्निंग टुडे। और आज तो हो गई है भाई ठंड बहुत अच्छे वाली, दो दिन से बहुत सही ठंड हो रही है। तो हमने कैप शैप पहन ली है। अब जो है वो फैशन को साइड में करके हम लोग पूरा कवर होके जाया करेंगे, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो हम अपने बच्चों को ठीक रख सकेंगे। तो इसीलिए अब मैंने कैप डाल लिया। बाहर है हवा बहुत ठंडी, मैंने पहले ही ऊपर चेक कर लिया था। और अभी मैं जा रही हूँ यूवी को लेने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं। कार में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा पहले। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं व्लॉग। गाइज आई थिंक देयर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। और टाइम तो वैसे हो गया है, बट भैया बच्चों के साथ टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लग जाता है। वो कभी करते हैं कभी नहीं करते एक्टिविटीज। तो इनका डिस्पर्सल तो अंदर से रूम जो ना, मैं भी थोड़ी छुपी पड़ी हूँ ताकि से मुझे यू भी एकदम से देख के मतलब एक्टिविटीज़ अपनी छोड़ ना दे। तो बस चलो बाय करते मैम को। बाय करते मैम को। बाय बाय, सी यू टुमारो। हमने ले लिया है यूवी को स्कूल से। आज मजा आया था स्कूल में। आए हैं सेक्टर 15 की मार्केट में यूवी के लिए न्यू बैग लेने के लिए। यूवी का जो बैग है वो थोड़ा छोटा है और वाटर बॉटल है। राइट, ले ले न्यू बैग, ले ले उनके लिए। मम के लिए बॉटल भी ले ले। यूवी को मजा आएगा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो ठीक है, जाएंगे कहाँ से? हम उधर से चले, रास्ता ही नहीं है यहाँ से। तो ओ, बैग ही लगा रहे हैं अंकल। तो बैठो अंकल, बैग दिखा दो, स्कूल बैग। कौन सी क्लास के लिए? यही प्री नर्सरी। बॉय? हाँ बॉय। दिखा ले, नर्सरी के लिए। लड़का है? बॉय लड़का ही होता है। ए वी स्कूल बैग, ये तो थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन चाहिए आपको? नहीं। फिर ये चाहिए आपको, ये वाला? ये अच्छा लग रहा है? हाँ सच्ची, तुम्हें बड़ा पता होता है। कितने का अंकल? पेट्रोल लाइन, पेट्रोल के लिए लाइन है बहुत लंबी, और अब खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। दोनों साइड लाइन है भाई, तो CNG वाली लाइन वाली फील आने लग गई। CNG में देखिए इतनी बड़ी बड़ी लाइंस। तो कार का फूड क्या होता है? पेट्रोल। चलो जी। तो गाइज हमने आज लिया है यूवी का स्कूल बैग, वाटर बॉटल। और अभी 11:40 हो गए हैं, टाइम लग गया थोड़ा मार्केट में। और अभी हम पेट्रोल डलवा के चल रहे हैं घर। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी शॉपिंग। सो गाइज ये है यूवी का न्यू बैग, और ये बैग जो है यूवी ने चूज़ किया है। तो ये कुछ इस तरीके से है, क्यूट सा बैग है, यूवी की चॉइस है ये। यूवी को दो बैग दिखाए थे मैंने वहाँ पे, और यूवी ने ये वाला बैग चूज़ किया है। तो ये बैग है यूवी का। और बॉटल इसमें बड़ा साइज़ मुझे मिला नहीं था, तो इसलिए छोटा साइज़ तो मैं ले आई हूँ। काफ़ी छोटा है, बट ये इतना ही पानी पीता है, इससे ज़्यादा ये पीता भी नहीं है वहाँ पे। तो ये है ड्यूबलिन की है, ये ड्यूबलिन की बॉटल है। और ये इस तरीके से ओपन होती है। और ये महाशय जी अपना यहाँ पे थके पड़े हैं। थक गए आप? ये मैं दर्श के लिए लेके आई हूँ क्लच पेंसिल। वो एक्चुअली बहुत, जो दर्श की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही दबा दबा के लिखता है, तो उसकी टीचर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप क्लच पेंसिल से इसे राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप इसे क्लच पेंसिल से करा के देखिए, जिससे शायद इसकी राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसके लिए मैं ये क्लच पेंसिल लेकर आई हूँ। और ये है 2023 का कैलेंडर। ये कैलेंडर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। एकादशी कब है, अमावस कब है, सारी चीज़ें हमें ध्यान रख के हर चीज़ करनी होती है। तो इसीलिए ये कैलेंडर तो मेरी किचन में होता ही होता है। तो अभी मैं इस एरिया में थोड़ी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, तब तक जब तक नहीं होती तब तक यहाँ पर जो डॉगीज हैं वो कर रहे हैं एंजॉय।
ये आई थिंक डॉग की कोई फैमिली है पूरी प्रॉपर। ये और ये है इनका एक छोटा सा हाउस भी, मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे कार्टून का बना के रखा है। और ये छोटे छोटे से पपीज हैं यहाँ पे, ओ ओ बहुत सारे पपीज हैं यहाँ। ओह ये मम्मा के पीछे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं पपीज यार। यूवी कितने सारे पपीज हैं, वाह। 4 तो यहीं पे ही है और बाकी कहाँ है, बाकी कहाँ है, बाकी कहाँ है, 5, 6, 7 मैंने कल काउंट किए थे, 8 है, 9 है। वाओ देयर आर 9 पपीज। ये व्हाइट वाला तो बहुत ही क्यूट है। ये है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। जा रहे हैं दर्श को लेने के लिए। ये फिर उतार दी कैप, उतारनी नहीं है बिल्कुल भी। ओके स्कूल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्रिसमस की बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है। वाओ क्रिसमस ट्री, यूपी क्रिसमस ट्री, नाइस। वाओ मैरी क्रिसमस, नाइस ना। स्कूल से वापस और इसकी नजर पड़ गई है यूवी के न्यू बैग पे और ये कह रहा है ये बैग मुझे दे दो, इतना छोटू सा बैग तू कैसे लेके जाएगा बता। ले जाऊंगा। और ये क्या करा है इसने, ये स्कूल से लेकर आया है यहाँ पे। यूवी भी यही लगा, यही बना रहा है। यूवी भी यहाँ पे इसी के साथ प्ले कर रहा है और दर्श ने भी अपने नेल्स पे लगाया, दिखाओ। और ये स्माइलीज किसने दी है इस तरीके से, ये भाती। ये हमारा हो गया है लंच टाइम, फ्लोर नंबर 49 पे। और ये यूवी जी लंच कर चुके हैं इसलिए बैठे हैं अपना आराम से, टीवी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ गेम खेलो तो समझ में आता है लेकिन देख के क्या मिलता है। हमारा हो गया है टी टाइम और अब आप बताओगे मुझे व्लॉग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और ये क्या हुआ, अच्छा आटा लगा हुआ है। ये अभी रोटी बना के आए हैं महाशा जी, आटा लगाए हैं हाथ में सारा। मैंने ऑर्डर किए थे बेला विटा लग्जरी के कुछ परफ्यूम जो कि हैं ये, और इस तरह के पैकेजिंग में आए हैं ये। और जो इसके अनबॉक्सिंग का फुल वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। अभी जो है विजी आधा अधूरा सो के उठे हैं तो अब चिड़चिड़ कर रहे हैं, हम इनको खाना खिलाते हैं और फिर दोबारा सोने का टाइम। हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए और बहुत अच्छी सेटिंग की है जोत। और दर्श ने सेट सब कुछ सेट कर दिया है, बस हमने वहां जाके जोत जलानी है। दर्श पूरी सेटिंग करता है मंदिर की प्रॉपर वे में और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसने किया है सेट। वाओ तो गाइस ये सेटिंग की है दर्श ने, हमारे पूजा की पूरी सेटिंग कर दी है, पूरा सेट करके अब यहाँ पे हम जलाएंगे ज्योत। पूजा हो गई है डन और अभी हो चुकी है और अभी बस अभी आने वाले होंगे, बच्चों ने डिनर कर लिया है। तो आज का ये व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी।